नमस्कार सभी साथियों को, हेल्प वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम ई कोश पोर्टल में अपनी एंट्री को देख सकते हैं अपने DDO कोड के द्वारा, और DDO कोड की भी जानकारी यहाँ पर ई कोश पोर्टल से देखी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ई कोश पोर्टल में जाना है। ई कोश ऑनलाइन .cg.nic.in इस वेबसाइट की एड्रेस है। उसमें जब नीचे जाएंगे तो इसमें DDO मास्टर करके एक ऑप्शन दिया है रिपोर्ट्स में। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो ऊपर जो आ जाता है एक बटन, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिव / क्लोज DDO की लिस्ट है यहाँ पर। जो भी एक्टिव यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दिख जाएगी अपन को DDO की, तो उस बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन खुल जाता है जिसमें हमको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद DDO की लिस्ट देखना है तो DDO लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। और हमको यहाँ पे जो एक्टिव DDOs हैं उनकी लिस्ट देखना है, तो एक्टिव बटन पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये थोड़ा समय लेता है। उसके बाद जैसे ही हम रिपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं, रिपोर्ट बटन पर क्लिक करने के थोड़े समय बाद हमको यहाँ पर सभी DDOs की लिस्ट दिख जाती है, जिसमें उनका DDO कोड, डेजिग्नेशन, रजिस्टर्ड नंबर और डिपार्टमेंट वगैरह सब दिया हुआ है, 10 नंबर दिया हुआ है। तो ये सब जानकारी यहाँ पर ई कोश पोर्टल के माध्यम से देखी जा सकती है कि हमारे जो DDO हैं उनका DDO कोड क्या है। इस DDO कोड को आप अच्छे से संभाल कर रख लेंगे कहीं लिख कर, ताकि भविष्य में आपको कभी ये ज़रूरत पड़े तो देखना ना पड़े। इस पर सभी प्रिंसिपल्स के भी DDO कोड है, BO के DDO कोड है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उनके DDO कोड्स हैं। तो ये सब जानकारी यहाँ पर दी हुई है इस पोर्टल में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पर्टिकुलर DDO कोड से हम कैसे एम्प्लॉय के डिटेल को देख सकते हैं कि उस DDO कोड में कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें हमारा नाम है कि नहीं। तो इसके लिए ई कर्मचारी बटन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में। तो ई कर्मचारी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो वहाँ पर नहीं जाना है। उसके नीचे बटन दिया है एम्प्लॉय रिपोर्ट्स का, तो जैसे ही आप एम्प्लॉय रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय रिपोर्ट्स का यहाँ पर बटन दिया हुआ है, क्लिक हियर टू शो एम्प्लॉय रिपोर्ट्स। तो उसके बाद हमको एम्प्लॉय रिपोर्ट्स बटन में जाकर जिले को सिलेक्ट करना है। DDO कोड जो हमने पहले देखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए बिलासपुर के मैं DDO कोड को ले लेता हूँ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बिल्हा के DDO कोड को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि उनका एम्प्लॉय कोड DDO कोड जो है वो मैंने यहाँ से देखा हुआ था। DDO कोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ सबमिट बटन पे क्लिक करना है अपन को। सबमिट बटन पे जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सभी का डिटेल्स आ जाता है। एम्प्लॉय का नाम है वो दिखने लगेगा आपको, एम्प्लॉय आईडी दिखने लगेगी और DDO कोड दिखने लगेगा। ये पूरी जानकारी ई कोश पोर्टल पे उपलब्ध है, तो इसके लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य आप जाके ई को सकते हैं, और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो एम्प्लॉय कोड है वो क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कोड, DDO कोड, एम्प्लॉय नेम, अकाउंट टाइप, क्लास की किस क्लास का वो कर्मचारी है, क्लास वन है, क्लास टू है, क्लास थ्री है, वो दिख जाता है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट का नाम भी दिख जाता है पदनाम के साथ। इसको एक्सेल में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक्सेल में भी डाउनलोड करके आप सुरक्षित इस चीज़ को रख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।